मैं उमेश कुमार, मेरा वाइफ जो है दुलारी कुमारी, आशा अटेंडेंस नवादा जिला सिद्धला प्रखंड PSC में वो सरकारी आप आशा कर्मी के पद पे है नियुक्त, और यहाँ उसके पेटों में पथरी हुआ था जबकि मैं प्रवीण कुमार के यहाँ ले गए, वहाँ भी आयुष्मान कार्ड का सेंटर बना हुआ था और प्रवीण कुमार जो है से उन्होंने रेफर किया डॉक्टर अमित कुमार के पास युवा में, युवा से ही यह जो है आर्ट्स हॉस्पिटल जो है से AP कॉलोनी गया में है, जो डॉक्टर अमित कुमार के वहाँ जाँचों उपरांत युवा में जो है से ही खो जाँच किया गया, इसी भी जाँच किया गया जिससे दुलारी कुमारी को हार्ट में जो है से 20 ASTM का होल था, है ना, उस होल के शायद से उनका जो है से सांसें थोड़ा मुश्किल की सामना करना पड़ रहा था, अगर वो पथरी का ऑपरेशन कर देते तो हो सकता था इनका जान भी जा सकता था, इसी उपरांत तो उन्होंने सजेस्ट किया डॉक्टर अमित कुमार को, और अमित कुमार ने जब इको किया तो यह पाया गया, और पाने के बाद क्या है अमित कुमार की आयुष्मान कार्ड का सेंटर बना हुआ है आपका अर्श हॉस्पिटल में, आप वहाँ चलिए, वहाँ से लगभग जो भी एस्टिमेट होगा आपका एक्टिवेट होगा कार्ड, और उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा। मैंने जो है से आपको परसों जो है से शाम को 5 बजे उन्होंने जो है से वो अंदर ले गई दुलारी कुमारी को, और एक अच्छा सा स्क्रीन शॉट हम उनको दिखाए, वो मैंने सिर्फ एकदम बिल्कुल आसान तरीके से उन्होंने जो है से अपने वो होल को रिपेयर किया, और मुझे और मेरे परिवार को सारा आंखों के सामने उन्होंने दिखाया, और दिखा कर मैं थैंक किया, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा सारा फैमिली खुश है। थोड़ा सा है आयुष्मान कार्ड में कि टोटल खर्च भारत सरकार को देना चाहिए, दवा से लेकर टोटल खर्च अगर देते हैं तो आम आदमी के लिए वो बहुत सफल हो सकता है, आम आदमी का इलाज आसान तरीके से हो सकता है, और आयुष्मान कार्ड का जितने तरह का परफॉर्मेंस है वो सबसे लाभुक परफॉर्मेंस है, हम ग्रामीणों के लिए खास करके जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सबसे ये आयुष्मान भारत कार्ड की जो भूमिका है वो अहम भूमिका है, मैं इन्हें सराहना तहे दिल से करता हूँ, शायद आयुष्मान कार्ड नहीं रहता तो हमारी पत्नी को जान भी जा सकता था, थैंक करता हूँ आयुष्मान भारत सेंटर को, खास करके यहाँ की प्रधानमंत्री को, घर घर जो आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में बनाना चाहिए, जो ग्रामीण इलाके में है जिनकी आर्थिक स्थिति एकदम बिल्कुल कमजोर है और वह कहीं इस इलाज से वंचित है तो उनकी जान जा सकती है, लेकिन मैं खुशी जाहिर करता हूँ कि यह भारत सरकार ने यह व्यवस्था किया है, और आज उसके चलते मेरी पत्नी दुलारी कुमारी का आज जान बचा है, फिर मैं आयुष्मान कार्ड से पथरी का भी इलाज करूँगा, और उन्होंने कहा है प्रवीण कुमार अग्रवाल कि आप आइए, आपका आयुष्मान कार्ड से ही वो जो पथरी निकाला जाएगा जो दूरबीन विधि से निकाला जाएगा, उन्होंने सजेस्ट किया, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे डॉक्टर हमारा जो है सेकेंड गॉड के रूप में भारत में, उनके लिए हम शुभकामना करते हैं, उनके परिवार को शुभकामना करते हैं, और सोसाइटी को जिंदा रखने के लिए भी शुभकामना करता है, धन्यवाद, मैं इसके लिए आभार हूँ।